अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़र अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन, जिसमें आप अपनी आवाज़ को बना सकते हैं इको में, यानी कि ऐसे लगेगा जैसे आप साउंड सिस्टम पर बात कर रहे हों। है ना कितनी कमाल की एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी आवाज़ को कैसे इको इफ़ेक्ट देंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन को प्रेस कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हम यहाँ पे सबसे पहले अपना प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर में हम यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, इसका आइकन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप इसके रिव्यू चेक कर सकते हैं। 4.4 की रेटिंग है इसकी और 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसके। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मैं जस्ट इसको यहाँ से ओपन कर दूँगा। जी दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और आपने अगर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो आपने ये रेड आइकन को प्रेस करना है तो ये रिकॉर्डिंग मोड इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी आवाज़ रिकॉर्डेड ऑलरेडी पड़ी हुई है तो आप इस ओपन आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट उस फाइल को जाके उठा लेना है। एक और बात दोस्तों, ये वो फाइलें पड़ी हुई हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी ये वो चीज़ें नहीं हैं जो मैं इस इको में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ये वो रिकॉर्डिंग्स नहीं है या वो आवाज़ नहीं है जिसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने जस्ट इस आइकन पे क्लिक करना है। तो आप वापस फोल्डर्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपने अपने जिस फोल्डर में आपने वॉइस रखी हुई है वहाँ उसको ओपन करके उसको खोल सकते हैं, उसको वहाँ से उठा सकते हैं। तो मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से मैं इस फाइल को उठाऊँगा और इसको यहाँ ओपन कर दूँगा। ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये पकड़ के इसको लेयर में ले आएगा। तो पहले तो मैं इसको सुनूंगा कि इसने बीच में क्या बोला है, तो चलिए प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मज़र अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, यहां तक फ़र्ज़ किया हमने इसको इको में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने इसको रोक के इस आइकन पर क्लिक करना है। तो ये यानी कि हमें ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि हम इस पर क्या करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ दूसरे नंबर पे जो खड़ा है इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप नॉर्मलाइज़ करेंगे इसको, तो ये इसको नॉर्मलाइज़ कर देगा। और फिर आप अगेन इस थ्री डॉट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगेन इफ़ेक्ट में जाएँगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो ये इको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको, तो आपने इसको जस्ट इको कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने प्ले करके सुनना है कि आपको कितनी लेवल तक इको चाहिए और कितनी डिले चाहिए और कितनी फीडबैक चाहिए, मतलब इको लेवल, अब डिले और फीडबैक क्या है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मज़र अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, अब आपने फ़र्क देख लिया होगा, अगर हम इको लेवल बढ़ा दें, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन सबसे ऊपर जो खड़ा है 35% पे, अगर हम इसको बढ़ा दें तो इसका किस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, चलिए सुनते हैं। अब हमने इसको 35 से 70 पे कर दिया, अब प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मज़र अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आपने इको लेवल तो देख लिया, अब हम डिले जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ऑप्शन, तो हम इसको बढ़ा के देखते हैं इसकी लेवल, तो इसका क्या फ़र्क हमें दिखाता है। चलो हम इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं और प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मज़र अब्बास फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। यानी कि डिले से मतलब ये कि अगर आपने एक दफ़ा बोल दिया तो उसको रिपीट बहुत ज़्यादा लेट कर जाएगा, तो आपने बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना, तो आपने इसको यहाँ पे शुरू में रखना है ताकि आपको जहाँ तक आवाज़ सही लगे, ये 300 प्लस होना चाहिए, जितना तक मतलब मैं इतना तक आपको कहूँगा कि 300 प्लस ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो चलिए आप सुन के देखते हैं। इतना तक फंटेस्टिक है, इतना तक ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आपने फीडबैक नीचे जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, इसको बढ़ा के देखना है कि इसका क्या रोल है। तो चलिए इसको हमने बढ़ा दिया, आप प्ले करके देखते हैं।
जी दोस्तों, इसका ये है कमाल। तो आप इसको थोड़ा सा कम रख सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो जब अप्लाई आप करेंगे, जी दोस्तों, अप्लाई करने के बाद ये जो इफ़ेक्ट था वो इस पर लागू हो जाएगा। अब आपने अगेन थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद फिर इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है इक्वलाइजर एम्पलीफायर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको पहले तो प्ले करके देखें कि आपकी आवाज़ कैसी है, फिर इसके इफेक्ट लॉग करने के बाद कैसी आती है। चलें देखते हैं। तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको इस पट्टी पे आप कम भी कर सकते हैं। तो फिर सुन के देखते हैं। अब इसको बढ़ा के देखते हैं, बढ़ा के मतलब फुल करके देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है। चलो प्ले करके देखते हैं फिर से। तो जैसे सॉन्ग चल रहा है तो उसका वॉल्यूम हम अप कर देते हैं, यानी कि आवाज़ को ज़्यादा कर देते हैं। तो स्पीकर की जो कंडीशन होती है वो ये आपने सुनी अभी। तो आप यहाँ से इसको सेट करके जहाँ तक आप रखना चाहते, तो मैं इसको यहाँ पे 4 पे करके फिर प्ले करके देखता हूँ कैसा इफेक्ट आता है। इतना तक बेस्ट है, बहुत अच्छा है मैं तो कहूँगा। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जस्ट आपने इसको अभी सेव करना है। तो ये ओपन के साथ सेव वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसका नाम नीचे इस पट्टी पे आप इसका नाम टाइप करेंगे जो आप लिखना चाहते हैं। तो मैं अपने चैनल का नाम ही देख देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको डन कर दूँगा। डन करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये सेव हो रही है फ़ाइल। जी दोस्तों, अब ये आवाज़ हमारी फ़ाइल मैनेजर में सेव हो चुकी है और हम वहाँ से जाके इसको सुन सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें यार। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।